हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ BHU पाठशाला। आज है 2 अक्टूबर 2020 और 2 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं फैक्ट्स भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में मनाते हैं। सो फ्रेंड, अब मैं आपको कुछ महात्मा गांधी के जयंती से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज का हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी थे इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और ये 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे पोरबंदर गुजरात में और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनके जो मेंटर थे उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले जी था। इन्होंने 1909 में गुजरात में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज और एक गुजराती लैंग्वेज में एक डिप्रेस क्लास उस समय जो हुआ करती थी जिन्हें हम हरिजन कहते थे उनके लिए उनके नाम से उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी। इन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है, दैट वॉज द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये जनरली एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो ये आज के कुछ इनके इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। नाउ नेक्स्ट वन इज श्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था और इनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हुआ था। ओके, इनके बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने वाइट रिवॉल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, वाइट रिवॉल्यूशन को बहुत ही प्रमोट किया। अब ये वाइट रिवॉल्यूशन क्या था, जिससे हम हिंदी में श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ये एक्चुअली मिल्क के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ये रिवॉल्यूशन लाया गया था। और इस रिवॉल्यूशन की स्टार्ट कहाँ से किया गया था, तो इस रिवॉल्यूशन को गुजरात के आनंद नगर से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जहाँ पे हमारा अमूल की फैक्ट्री है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अच्छा हाँ, आप मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ पे एक मुगल सराय जंक्शन है, उसका नया नाम क्या है। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ, इस मुगल सराय जंक्शन का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम अपने क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ साई। इसका कहने का मतलब ये है कि जो साई है यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका अभी रिसेंटली न्यू लोगो इन सारे ऑप्शंस में से किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन वन है श्री अमित शाह, ऑप्शन बी श्री किरेन रिजिजू, ऑप्शन सी श्री एस जयशंकर, ऑप्शन डी श्री राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज श्री किरेन रिजिजू। ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ऑब्वियस ही बात है, लॉजिक लगाइए। अब जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है तो ऑब्वियस ही बात है साई का न्यू लोगो भी वही लॉन्च करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट अंडर वेंचर कैपिटल फंड। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इनमें से किन्होंने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन की शुरुआत की है। ऑप्शन ए इज एस ए बोबडे, ऑप्शन बी सुनील अरोरा, ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत एंड ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज थावरचंद गहलोत जी। ठीक है, अब देखिए इसका मिशन क्या है, बेसिकली इसका जो मिशन है इसका जो एम है मेन इस मिशन का, वो है कि शेड्यूल्ड कास्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ठीक है, कि मतलब जितने भी शेड्यूल्ड, अब जानते हैं कि पहले क्या होता था कि शेड्यूल्ड कास्ट के जो बच्चे हुआ करते थे उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेस करके रखा करते थे, उनको एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाती थी, तो बस उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले इसलिए इस मिशन की शुरुआत की है थावरचंद गहलोत जी ने। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल पियरलेस हाउसिंग कैपिटल कंपनी लिमिटेड। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन वन इज विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी इज आमिर खान, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी सौरव गांगुली एंड ऑप्शन ई बोथ बी एंड डी। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सौरव गांगुली जी। ठीक है, आप सौरव गांगुली जी को जानते ही होंगे, काफी फेमस पर्सनालिटी हैं ये। एक्चुअली इस बार जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में होने वाला है उसके लिए हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं वो भी श्री सौरव गांगुली जी को चुना गया है। ठीक है, और आपको ये पता ही होगा कि कुछ समय पहले ही हमारे जो यहाँ का BCCI है यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके भी जो प्रेसिडेंट हैं वो श्री सौरव गांगुली जी हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन इन इंडिया टू हेल्प सपोर्ट स्मॉल बिजनेस। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आखिर इन पांचों में से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन की शुरुआत की है ताकि इंडिया में जो स्मॉल बिजनेस जो करते हैं, जो बिजनेसमैन, जो छोटे हमारे व्यापारी लोग हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये कैंपेन किसने लॉन्च की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी अमेजॉन, ऑप्शन डी फेसबुक एंड ऑप्शन ई गूगल। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, दैट इज गूगल। ओके, तो गूगल जो है उसके CEO कौन है, उसके CEO है श्री सुंदर पिचाई जी, जो कि एक इंडियन है। ओके, और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि गूगल इंडिया ऑन September 30, 2020 अनाउंस दैट लॉन्च ऑफ इट्स नेशन वाइड कैंपेन मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू हेल्प सपोर्ट स्मॉल बिजनेस एंड ड्राइव डिमांड थ्रू कस्टमर सपोर्ट। ओके, तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि हमारे यहाँ जो छोटे व्यापारी होते हैं कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना चाहता है गूगल ताकि वो अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च 25% कट इन स्कूल फी। इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से स्टेट है जिसने अपने यहाँ पे स्कूल फी में 25% की कटौती की है। ठीक है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। गुजरात में क्या किया गया कि वहाँ पे चाहे कोई गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पे जो स्कूल की फी है उसको 25% कट कर दिया गया है। ठीक है, गुजरात के CM का क्या नाम है, तो गुजरात के CM का नाम है श्री विजय रूपाणी जी। ओके, और वहाँ के गवर्नर का क्या नाम है, आचार्य देवव्रत। ओके, और गुजरात की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, दैट इज अहमदाबाद। ओके, और गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। जो हमारी गांधीनगर है पूरे इंडिया में सबसे पहले किरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बनी है। ठीक है, पूरे इंडिया में सबसे पहले किरोसिन फ्री जो हुआ है वो गांधीनगर हुआ है। ओके, और यहाँ पे गुजरात में ही एक वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है ये गुजरात और डेनमार्क ने मिलके किया है कि उन्होंने अपने मतलब गुजरात और जो डेनमार्क है उन्होंने टाई अप किया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। ओके, और यहाँ देखिए ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है सिक्किम। ओके, सिक्किम मैंने क्यों रखा कि यहाँ मुझे बताना ये था कि जो सिक्किम है पूरे इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जो फुल्ली ऑर्गेनिक है। ओके, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनमें इनऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ नहीं की जाती है, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं। ओके, और जो सिक्किम है वो पूरे इंडिया में फर्स्ट स्टेट है जो कि ओपन डिफिकेशन से फ्री हो चुका है। ठीक है, वहाँ पे हर एक घर में टॉयलेट्स बन चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट VVIP एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 फॉर PM प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अराइव्स, इट इज मेड बाय विच कंपनी। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो इंडिया की हैं उनके लिए एक एयरक्राफ्ट बनाया गया, दैट इज एयर इंडिया 1। ओके, ये PM प्रेसिडेंट और इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन लोगों के लिए बनाया गया है, तो इसको किस कंपनी ने बनाया है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्या आप लोग गेस कर सकते हो।
चलिए हम ही बता देते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बोइंग। सॉरी वन मिनट, ओके। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन ए, बोइंग। ओके, तो बोइंग क्या है, ये एक एयरक्राफ्ट की कंपनी है, कहाँ की, ये यूएसए की है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर ये जो एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है आखिर इसमें खास चीजें क्या है। पहली खास चीज इसमें ये है कि ये 17 घंटे तक लगातार उड़ सकती है, ठीक है। इसमें दूसरी खास बात ये है कि इस प्लेन को कोई भी हाईजैक नहीं कर सकता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि कई बार कई सारे जो टेररिस्ट होते हैं वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन ये जो प्लेन होगी इसे कोई भी टेररिस्ट हाईजैक नहीं कर सकते हैं। कोई टेररिस्ट क्या, कोई भी ऐसी कंट्री, एनिमी कंट्री इस प्लेन को हाईजैक नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ ऑप्शन में लिखा एयरबस जो है ये यूरोप की एक एयरक्राफ्ट कंपनी है, ठीक है। और इसने अभी हाल ही में हाइड्रोजन जेट बनाने की घोषणा की है, ठीक है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट लिखा है एडवेंचर, इसके बारे में क्या कहना, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि ये यूपी की एक बस की कंपनी है जो कि दिल्ली से लंदन हमें ट्रेवल कराएगी। और पता है आपको इसका फी क्या है, इसका टोटल जो चार्ज लगेगा वो 15 लाख रुपीज लगेगा। यानी कि आपको दिल्ली से लंदन अगर बस से जाना है, आपको घूमना है, तो उसके लिए आपको 15 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। कमेंट करके बताएगा आखिर कौन कौन इस बस से जाना चाहेगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अंडरटेक 1 करोड़ कोविड टेस्ट। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में 1 करोड़ कोविड टेस्ट किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन ई केरला। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आप गेस कर ही चुके होंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल तो आपको पता ही होगी, लखनऊ। यहाँ के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश है इसकी एक और खास बात ये है कि पूरे इंडिया में मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा काम देने वाला जो स्टेट है दैट इज आवर उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी एंड चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके फ्रेंड्स, और मैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स जब भी आप लोगों के लिए लाऊंगी, जब भी क्या, रोज ही लाना है मुझको ये करंट अफेयर्स, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ ना कुछ हर एक स्टेट के डेली हम कुछ 2-3 नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, ये सब पढ़ते जाएंगे ताकि जब हमारे एग्जाम आए तो हमें रटना ना पड़े, हमारे ऑलरेडी पहले से तैयारी हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ ऑप्शन में कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये जो ऑप्शन ई दिया हुआ दैट इज केरला, इसके केरला के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो हमारा केरला है अभी हाल ही में इसको टूरिज्म अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के जो सीएम है वो है पिनरई विजयन जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। ओके, और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके नाम भी मैं बता दूँ, यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो हैं इराबिकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो झील है वो है वेम्बानंद लेक, ये हमारे इंडिया की भी सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक है, दैट इज वेम्बानंद लेक। ओके, और यहाँ एक और ऑप्शन लिखा है दैट इज कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक को मैंने क्यों रखा, क्योंकि अभी हाल ही में इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट जो है कर्नाटक के मैंगलोर में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए एक ऑप्शन और लिखा है दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश है इसकी कैपिटल है अमरावती, अभी फिलहाल ये अभी लीगल तौर पे ये पेजेस पे नहीं लिखा गया, लेकिन आने वाले समय में ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस समय ये डिसाइड हुआ था, बाइफर्केशन जब हुआ था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब बट गए थे 2014 में, तो डिसाइड ये हुआ था कि 10 ईयर्स के बाद जो है यहाँ की जो कैपिटल होगी दैट विल बी अमरावती हो जाएगी, हमारे
आंध्र प्रदेश की, और जो हमारा तेलंगाना है उसकी कैपिटल हैदराबाद हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए मैंने हाल ही में एग्जाम दिया था जब BHU का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरे इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अपने यहाँ पे अपने यहाँ की विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित किया है कि हमारे यहाँ के जो स्टेट है हमारा उसकी 3 कैपिटल होनी चाहिए। तो वो स्टेट भी कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हमारी 3 कैपिटल होगी, दैट इज कुरनूल, अमरावती, विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स हैं, सॉरी अभी मैं पार्क्स जो है बता ही देती हूँ, चलिए, क्योंकि आप लोग को अगर ज़्यादा लगे तो आप बताइएगा कि नहीं मैम थोड़ा 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 करके पढ़ाइए। ठीक है, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो आंध्र प्रदेश में जो नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, और एक है नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। ठीक है, तो इतने को आप लोग याद कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ की जो कैपिटल है वो तो मैंने बता ही दी, यहाँ के जो CM है वो YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। ओके फ्रेंड्स, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कीम हैज कंप्लीटेड 6 इयर्स टू बी सेलिब्रेटेड गांधी जयंती, यानी गांधी जयंती के उपलक्ष पर किस इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जिसने अपने 6 साल पूरे किए हैं। ठीक है, पहली है PM फसल बीमा योजना, दूसरी है स्वच्छ भारत मिशन, तीसरी है आवास योजना, चौथी है ऑल ऑफ द अबव, और पांचवी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन। आपको याद होगा कि 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस स्कीम की, इस मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो अब इसके 6 साल पूरे आज हुए हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो है स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें लगातार चौथी बार जिस सिटी ने टॉप किया, दैट इज इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? ये है हमारी MP में। ठीक है, MP यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब ये जो हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण हमारा जो हर साल जारी होता है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री जारी करती है? तो वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ओके, यही मिनिस्ट्री है जो कि हरदीप सिंह पुरी जी संभालते हैं, और इसी मिनिस्ट्री ने ये 6 ईयर्स जो कंप्लीट हुए स्वच्छ भारत मिशन के, उसको सेलिब्रेट किया है। और अभी हाल ही में इस मिनिस्ट्री ने 6 साल जब पूरे हुए इस स्कीम के, तो इस मिनिस्ट्री ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, और उसका नाम था स्वच्छता की 6 साल बेमिसाल। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्वच्छता की 6 साल बेमिसाल। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी सीनियर सिटीजन के लिए इंटरनेशनल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर, सेकेंड है 1 अक्टूबर, थर्ड है 3 अक्टूबर, फोर्थ है 4 अक्टूबर, एंड फिफ्थ है 5 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1st of October। ओके, ऑप्शन बी, दैट इज 1st of October। 2nd of October को हम इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाते हैं, और आज ही के दिन हम नॉन वायलेंस डे तो मनाते हैं, इसके साथ साथ हम कॉफ़ी डे भी मनाते हैं। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ प्रोड्यूस होती है? दैट इज इन कर्नाटक, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में प्रोड्यूस होती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉम्बिया फायर्स कैन बी सीन इन विच एरिया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या है, जॉम्बिया क्या है? जॉम्बिया आपने नहीं सुना होगा अभी तक मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये जॉम्बिया फायर होता क्या, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जॉम्बिया फायर क्या होती है। आप सपोज कीजिए कि ये हमारा लैंड है। ठीक है, लैंड है, और इस लैंड के नीचे जो है ढेर सारे यहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको? मिनरल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि कभी कभी जब ड्रिलिंग करती है कोई कंट्री, अगर किसी वाटर बॉडी जैसे ओशन है, ओशन के फ्लोर के नीचे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स पाए जाते हैं, उसमें पेट्रोलियम्स पाए जाते हैं, तो जब इसी के नीचे जब सरफेस के नीचे जब ड्रिलिंग होती है, तो यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं ना, उनमें उनकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो सरफेस के नीचे तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, प्लस ये जो हमारा इन्वायरमेंट है सरफेस के ऊपर का, ठीक है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ का भी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने लगता है। तो जब सरफेस के नीचे और ऊपर दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे, तब हम इसे क्या कहते हैं? जॉम्बिया फायर कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ मैंने फायर लिखा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आग की लपटें निकलती हैं, इसका मतलब ये होता है कि क्या होगा कि उस रीजन में जो भी आइस पाए जाते हैं वो सब मेल्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो ज़ोम्बिया फायर अभी हाल ही में किस क्षेत्र में देखी गई है? पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी पैसिफिक ओशन, ऑप्शन डी अटलांटिक ओशन, ऑप्शन ई इंडियन ओशन। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्कटिक ओशन। ओके सॉरी ओके तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्कटिक ओशन। अभी हाल ही में यहीं पर सबसे ज्यादा देखा गया ज़ोम्बिया फायर, ये जो आपको रेड वाला रीजन दिख रहा है ना, यहीं पे हमें ज़ोम्बिया फायर देखने को मिला है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आर्कटिक ओशन से लगी हुई जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। कौन कौन सी कंट्रीज इसके पास में है? लाइक ग्रीनलैंड, ठीक है, उसके बाद हमारा अलास्का आता है जो कि यूएस का पार्ट है, रशिया आता है, और भी कई सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं लाइक नॉर्वे हो गया, फिर उसके बाद फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारी कंट्रीज जो हैं इससे आर्कटिक ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और देखा ये जा रहा है कि इस ज़ोम्बिया फायर की वजह से आर्कटिक ओशन का जो वहाँ पे, क्योंकि टुंड्रा वेजिटेशन मिलता है, टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइस पड़ता है तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ जो होती है वो कॉनिकल होती है, यानी जब ऊपर से आइस मेल्ट करके गिरेगी तो वो जाके नीचे सरक के नीचे चली जाती है, वो लीव्स पे ठहरती नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये जो टुंड्रा वेजिटेशन है यहाँ पर काफी ज्यादा ड्राइनेस आ गई है, ठीक है, काफी ज्यादा क्या आ गई है, ड्राइनेस आ गई है, तो इसी को हम ज़ोम्बिया फायर कहते हैं। क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पे ये तो मैंने सब बता ही दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज बैंड काउ स्लॉटर एंड प्लान्स टू इम्पोर्ट बीफ। मतलब पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने हाल ही में अपने यहाँ पे गायों की हत्या करने पे प्रतिबंध लगा दिया है और उसने प्लान ये किया है कि हमारे यहाँ पे जो काउ का बीफ है हम दूसरी कंट्री से उसे इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके इसका ए ऑप्शन है डेनमार्क, बी है इंडिया, सी है मालदीव, डी है यूएई एंड ई है श्रीलंका। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, दैट इज श्रीलंका। ओके एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि श्रीलंका जो है यहाँ पे बुद्धिज्म जो धर्म है उसको मानने वाले लोग काफी ज्यादा रहते हैं और बुद्धिज्म धर्म में काऊ को मारना वहां पे गलत माना जाता है, ठीक है, काउ को मारना वहाँ पे गलत माना जाता है। तो इसी वजह से जब वहाँ पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या है ही नहीं जो कि काउ के बीफ को खाए तो फिर काउ को मारने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ श्रीलंका में अब वहाँ पे बैन लग गया है। ओके अब जानिए श्रीलंका जो है उसकी दो कैपिटल है, एक है श्री जयवर्धनम पुरम कोट्टे और दूसरी है कोलंबो। जो हमारी श्री जयवर्धनम पुरम कोट्टे है ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्रीलंका की, ठीक है, और इसी को हर जगह एग्जाम में लिखा भी जाता है। अब ये एक और बात है, जो श्रीलंका है हमारा, जैसे सपोज कि ये हमारा इंडिया है, ये यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, तो जो श्रीलंका है और जो इंडिया है इन दोनों के बीच में ये जो स्टेट होता है जो इन दोनों को ज्वाइन करता है दैट इज कॉल्ड पाल्क स्टेट, ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्टेट है, पाल्क स्टेट है। ओके फ्रेंड्स नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया विल डेवलप मिशन विनस विथ विच कंट्री। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विनस को लेकर के एक मिशन जो है इंडिया वो किसके साथ लॉन्च करेगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, दैट इज फ्रांस। ओके फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई फ्रांस। तो अभी क्या हुआ ना कि कुछ समय पहले इसरो ने ये डिसाइड किया गया था कि इसरो ने ये डिसाइड किया कि हम ये वीनस मिशन अकेले ही वीनस प्लैनेट पे लॉन्च करेंगे और वो हमारा 2023 में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अब इन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी, इसी वजह से इसरो ने डिसाइड किया कि वो फ्रांस के साथ मिल करके 2025 में वीनस मिशन को अपने इस लॉन्च करेगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, एक्चुअली कुछ समय पहले साइंटिस्ट लोगों ने ये पाया कि विनस प्लैनेट पे एक गैस पाई गई, दैट वाज फॉस्जीन, ठीक है, कौन सी गैस थी, फॉस्जीन गैस थी, ठीक है। अब ये कहाँ से आई गैस, ये जो गैस है वहां पे एक माइक्रो बैक्टीरिया पाया गया, ठीक है, काफी ज्यादा अमाउंट में वहां ये माइक्रो बैक्टीरिया मिल रहा है जो कि
ये गैस जो है इसको रिलीज कर रहा है, ठीक है। और जो फॉस्जीन गैस है, ऐसा मान रहे हैं साइंटिस्ट कि जब एक माइक्रोबैक्टीरिया वहाँ पे वो रह सकता है तो मे भी वहाँ पे लाइफ सर्वाइव करे। वो अलग बात है कि वहाँ पे ह्यूमन जाके नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये विनस, ये हमारे इसरो की प्लानिंग है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1969 में, ठीक है। 1958 में नासा बना और 1969 में हमारा इसरो बना था, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के फाउंडर कौन थे? वो थे विक्रम साराभाई जी। कौन थे? विक्रम साराभाई जी, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने बताया टर्की का, टर्की, अर्मेनिया, अज़रबैजान, इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, तो मुझे लगता है आज उसे उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ओके फ्रेंड्स। नाउ अब देखते हैं, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES, देखिए जैसे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम इसरो है, जापान की जो स्पेस एजेंसी उसका क्या नाम है? उसका नाम है जक्सा, ठीक है। सिमिलरली हमारी जो फ्रांस है वहाँ की जो स्पेस एजेंसी उसका क्या नाम है? CNES, ठीक है, सेनेस। और जो ये प्लानिंग चल रही है कि इसरो और फ्रांस मिलकर इस स्पेस क्राफ्ट, स्पेस मिशन को लॉन्च करेंगे, उसका नाम अभी फिलहाल क्या रखा गया है? शुक्रयान रखा गया है। मे भी आने वाले समय में ये नाम चेंज हो जाए तब मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी जो है इस मिशन का नाम शुक्रयान रखा गया है, ठीक है, जो कि वहाँ विनस पे जाएगा और विनस की स्टडी करेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसरो के विनस के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो जो फ्रेंड्स जो विनस होता है, ठीक है, हमने पढ़ा होगा थर्ड फोर्थ में कि जो विनस होता है इसको हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लाउड होता है, इसीलिए इसे क्लाउडी प्लैनेट के भी नाम से जाना जाता है। ये पूरे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स प्लस फैक्ट्स, ओके फ्रेंड्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके बताओगे कि आज का आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर इसमें कोई कमी हो तो बेझिझक आप इसे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।